हेलो एवरीवन, आज हम लोग नेटवर्क्स एंड लाइन के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लैटिस नेटवर्क के बारे में जानेंगे। एक सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क में जो कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट होते हैं, साथ ही साथ प्रोपगेशन कांस्टेंट जो होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास एक डेरिवेशन होगा। तो चलिए देखते हैं कि लैटिस नेटवर्क क्या है और क्या है उसके डेरिवेशंस। लैटिस नेटवर्क क्या है, सबसे पहले ये बात करते हैं। असिमेट्रिकल लैटिस इज अ टू पोर्ट इलेक्ट्रिकल वेव फिल्टर इन अ विच डायगोनली क्रॉस संट एलिमेंट आर प्रेजेंट। एक लैटिस नेटवर्क में डायगोनली संट एलिमेंट कनेक्ट किए जाते हैं, साथ ही साथ अ कॉन्फिगरेशन विच सेट इट अपार्ट फ्रॉम द लैडर नेटवर्क, जो इसे लैडर नेटवर्क से अलग करता है। द कंपोनेंट अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस इज शोन डायग्राम बिलो। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हमारे पास एक लैटिस नेटवर्क है और लैटिस नेटवर्क का एनालिसिस हम करें तो आप यहां पर इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर इंपेडेंस लगे हुए हैं, जेड ए इंपेडेंस और जेड बी इंपेडेंस, और इसमें डायगोनली क्रॉस संट इंपेडेंस इसे कहा जाता है, जबकि इसे जेड ए को सीरीज इंपेडेंस कहा जाता है। टू पोर्ट नेटवर्क है, पोर्ट वन ये हमारे पास वन और वन डैश, साथ ही साथ पोर्ट टू हमारे पास है टू और टू डैश। जैसा कि ये सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क है तो हमें पता है कि सिमेट्रिकल नेटवर्क में जो इनपुट इंपेडेंस होते हैं वो इक्वल होते हैं आउटपुट इंपेडेंस को। तो सारा जो कैलकुलेशन होगा हमारा, जो डेरिवेशन का फाइनल पार्ट होगा, वहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, जहां पर हम कह सकते हैं कि इनपुट इंपेडेंस हमारा आउटपुट इंपेडेंस के इक्वल है। तो चलिए देखते हैं इसका डेरिवेशन पार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि ये हमारे पास एक लैटिस नेटवर्क है और इसी का इक्विवेलेंट यहां पर एक सर्किट को ड्रॉ किया गया है, जहां पर हमारे पास जो यदि इस सर्किट में हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो वो वोल्टेज हमारा जो होगा ई, उसे नाम दिया जाता है, और इसमें इस सर्किट में इंपेडेंस रेसिस्टेंस होने के कारण यहाँ पर जो करंट, जो इस सर्किट में टोटल करंट जो पास होगा, जो सोर्स करंट होगा, जो हमारा स्टार्टिंग करंट होगा, उसे आई एस यदि कहा जाए, तो इस सर्किट से जो ई वोल्टेज के कारण, ई सोर्स वोल्टेज के कारण जो करंट फ्लो करेगा वो होगा हमारा आई एस, और ये आई एस करंट जहाँ जहाँ भी टर्मिनल है, जहाँ जहाँ भी इंपेडेंस लगे हुए हैं पैरेलल या फिर सीरीज में, उसके अनुसार यहाँ पर करंट का डिवीजन होगा, करंट यहाँ पर सेपरेट होगा। तो चलिए यहाँ पर आई एस हमारे पास करंट है जो टर्मिनल वन से यदि पास करे, इधर यदि आई वन करेंट जाता है तो इधर जो रिमेनिंग करेंट बचेगा आई एस माइनस आई वन वो करेंट होगा। फिर आई वन करेंट जब आगे की ओर शिफ्ट करेगा तो ये आई वन करेंट एक जेड टू इंपेडेंस की ओर जाएगा, जिसे नाम देते हैं आई आर, और जो रिमेनिंग करेंट बचेगा हमारा इस जंक्शन के बाद वो बचेगा हमारा आई वन माइनस आई आर। सिमिलरली यदि हम पार्ट बी की बात करें, जहाँ पर हमारा जेड बी इंपेडेंस लगा हुआ है, यहाँ पर जो करंट बचेगा हमारे पास आई एस माइनस आई वन, जब ये जेड ए से पास करेगा तो यहाँ पर जो हमारे पास टोटल करंट होगा जेड ए, लोअर साइड में जो जेड ए है, यहाँ पर जो टोटल करंट हमें मिलेगा वो करंट हमारे पास होगा ये आई आर करेंट, और साथ ही साथ आई एस माइनस आई वन का कॉम्बिनेशन, मतलब कि आई एस माइनस आई वन प्लस आर वन, ये तीनों करंट का कॉम्बिनेशन हमें जेड ए लोअर जेड ए इंपेडेंस में देखने को मिलेगा। और फाइनली ये सारा करंट जब रिटर्न होगा तो ये करंट हमारा आई एस, फिर से जो हमारा स्टार्टिंग करंट था वही करंट हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन हमारा
किस तरह से यहाँ पर एक डेरिवेशन होगा। यदि मैं सिमेट्रिकल नेटवर्क की बात करूँ तो सिमेट्रिकल नेटवर्क में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क के, वो होता है पहला होता है कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, इसे जेड नॉट कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले जेड नॉट को डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर यदि इस सर्किट में केवीएल अप्लाई करें तो सिंपली यहाँ पर इस तरह से हम केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। अब यदि लेटिस नेटवर्क में केवीएल अप्लाई किया जाए, एक हमारे पास लूप बनेगा, वो लूप हमारे पास होगा ये जेड ए, ये हमारे पास जेड ए इंपेडेंस को लेते हुए जेड नॉट और फिर ये जेड ए इंपेडेंस, हमारे पास एक लूप यहाँ बनेगा। यदि इस लूप में केवीएल लगाया जाए तो केवीएल बेसिकली क्या है, ये समेशन ऑफ वोल्टेज है, जो हमारा मेन जो सप्लाई होगा वो सप्लाई के इक्वल टू उस लूप में जितने भी वोल्टेज होंगे हर एक इंपेडेंस या रेसिस्टेंस के पास उसके समेशन के इक्वल होगा, या फिर हम कह सकते हैं उस पार्टिकुलर लूप में सारे रेसिस्टेंस और करंट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो एक वोल्टेज कहलाएगा, और उस सारे वोल्टेज सारे रेसिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप के समेशन वो हमारे पास जीरो होना चाहिए। तो यदि मैं इस लूप में यदि केवीएल लगाऊं तो केवीएल किस तरह से लगेगा, ये देखिए जेड ए हमारा आई वन से मल्टीप्लाई होगा, एक वोल्टेज बनेगा, और ये जेड नॉट हमारा आई आर से मल्टीप्लाई होगा, जबकि ये जो है ये जेड ए हमारे पास आई एस माइनस आई वन प्लस आई आर से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर एक लूप जो बनता है इस लूप में हम केवीएल लगाते हैं तो इजीली हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म होता है जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। कंसार क्लोज पाथ 2, 1, 2, 1-2-1 अप्लाइंग केवीएल अप्लाई करने पर हमारे पास ये इक्वेशन एक बनता है केवीएल अप्लाई करने के बाद। यदि इसे अरेंज किया जाए तो फाइनली अरेंजमेंट करने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमारे पास फाइनली आएगा वो कुछ इस तरह का मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन आता है। अब यदि हम अगेन केवीएल अप्लाई करें और अभी जो केवीएल अप्लाई होगा वो हमारा इस लूप में देखने को मिलेगा। इस लूप में अभी मैं केवीएल अप्लाई करूंगा, यहाँ पर जो केवीएल अप्लाई होगा फिर से जो हमारा रेसिस्टेंस है वो करंट से मल्टीप्लाई होगा, जो रेसिस्टेंस है वो करंट से मल्टीप्लाई होगा, और जो रेसिस्टेंस है वो करंट से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ एक लूप में सभी वोल्टेज ड्रॉप सभी इंपेडेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के जो समेशंस होंगे वो इक्वल टू जीरो होंगे, और यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन फिर से एक मिलेगा। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन होगा जहाँ पर जो फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यदि मैं इक्वेशन वन की बात करूं, यदि मैं हमारे पास जो इक्वेशन वन है यदि इसकी बात करूं तो यहां से आप देख सकते हैं कि आई आर के टर्म में वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। इक्वेशन वन से यदि आई आर कैलकुलेट किया जाए तो हमारे पास आई आर ये होगा, और इक्वेशन टू से यदि आई आर कैलकुलेट किया जाए आई आर हमारे पास ये होगा। दोनों एक रिटर्निंग करंट आई आर का वैल्यू है, अब दोनों आई आर हमारे पास सेम ही करंट है, इसीलिए इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर को यदि इक्वेट किया जाए तो हमारा कुछ इस तरह से एक एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो एक्सप्रेशन आएगा फाइनली हमारे पास एक एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, वो एक्सप्रेशन हमारा कहलाएगा ई बाय आई एस, और जो हमारे पास टू जेड नॉट जेड ए प्लस जेड बी इक्वल टू जेड नॉट जेड बी इंटू जेड ए प्लस जेड नॉट प्लस जेड ए इंटू जेड बी, ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। और हमें पता है कि जो हमारा मेन जो वोल्टेज है ई और जो हमारा स्टार्टिंग का करेंट था आई एस, ये जो है इनपुट इंपेडेंस या फिर आउटपुट इंपेडेंस के इक्वल होगा, इसे जेड इन या जेड नॉट भी कह सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है E बाय आई एस इक्वल टू जेड इन और जेड नॉट, और इस वैल्यू को यदि यहाँ पे पुट किया जाए तो जेड नॉट को यहाँ पुट किया जाए तो वहाँ एक
यहाँ पर पुट करने के बाद इसे मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो एक एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होगा। जो आउटपुट हमारा कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, जो आउटपुट इंपीडेंस है या फिर आप बोलें कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है, वो मीन ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ जेड ए इंटू जेड बी के इक्वल होगा, जिसे इक्वेशन 5 के नाम से नाम दिया जाता है। अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो सीरीज और संट के कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोगों ने आउटपुट इंपीडेंस या फिर बोले तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जेड नॉट कैलकुलेट किया, है। यदि अब इन टर्म ऑफ ओपन एंड शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस, ओपन और शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस के टर्म में बात करें तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से होगा, जब हमारा सर्किट एक केस हम लेंगे ओपन सर्किट का, जब हम सेकेंड जो हमारा टर्मिनल टू है यदि उसे ओपन रखा जाए और वहाँ से यदि इंपीडेंस कैलकुलेट किया जाए तो सिंपली जो हमारे पास जेड बी और जेड ए होगा ये पैरेलल में होगा, प्लस फिर से ये जेड ए जेड बी पैरेलल में होगा, तो ओपन सर्किट का जो हमारे पास इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकलेगा वो कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगा। और साथ ही साथ यदि शॉर्ट सर्किट की बात करें तो अब आप देखेंगे शॉर्ट सर्किट में कि जो ये टर्मिनल टू है वो शॉर्ट हो चुका है, तो अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन बनेगा वो जेड ए पैरेलल टू जेड बी प्लस जेड बी पैरेलल टू जेड ए, इस तरह के एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेंगे ये ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट में। और इसे कैलकुलेट करने के बाद कुछ इस तरह का वैल्यू आएगा, जिसे हम लोग कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7। अब यदि आउटपुट इंपीडेंस की बात करें, यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, इक्वेशन 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे, एक्सप्रेशन होंगे। और यहाँ पर जो जेड नॉट जो एक इनपुट इंपीडेंस या फिर आउटपुट इंपीडेंस या फिर आप बोले कि कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जेड नॉट कैलकुलेट होगा, जो ज्योमेट्रिकल मीन होगा आउटपुट और ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के ज्योमेट्रिकल मीन के बराबर होगा। तो ये दो एक्सप्रेशन है हमारे पास जिसे मैथमेटिकली कैलकुलेट किया गया। अब हमारा एक सेकेंड प्रॉपर्टी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, वो होता है प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट, जिसे गामा के नाम से जानते हैं। सिमेट्रिकल नेटवर्क में सेकेंड प्रॉपर्टी प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट, यहाँ पर जो प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट होता है उसे कुछ इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर एनी सिमेट्रिकल नेटवर्क प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज IS बाय IR, जो सोर्स करंट होता है और जो रिटर्निंग करंट होता है इसके रेशियो जो होते हैं वो प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट के इक्विवेलेंट होते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने IR पहले से कैलकुलेट कर रखा है, इक्वेशन 3rd और 4th की बात करें तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि IR जो हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है वो कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर E का जो वैल्यू होगा, हमारे पास जो E का वैल्यू होगा वो हमारे पास था E/IS इक्वल टू जेड नॉट। यदि मैं यहाँ से E निकालूँ तो IS जेड नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस वैल्यू के जगह मैं E के जगह मैं ये लिख सकता हूँ। और यहाँ पर इसे कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा IS/IR, जिसे कि प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट कहते हैं। और यहाँ पर लॉग अप्लाई करने पर, ln अप्लाई करने पर, बोथ साइड भी मैं लॉग अप्लाई करूँ तो हमारा जो फाइनल जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट का। ये पहला इक्वेशन आप यहाँ देख सकते हैं और प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट का दूसरा इक्वेशन आप यहाँ देख सकते हैं। अब फर्दर कैलकुलेशन है, कंसीडर इक्वेशन ई वाई को कंसीडर किया जाए। ई वाई का आप देखिएगा तो ई वाई का दो एक्सप्रेशन हमारे पास है, आउटपुट इंपीडेंस जो है जेड ए के टर्म में भी है और जो हमारा प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट है, प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट का जो वैल्यू है जेड नॉट और जे के टर्म में भी है, और प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट का जो वैल्यू है वो जेड बी और जेड नॉट के टर्म में है। तो यदि यहाँ से मैं जेड प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट जेड ए के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हम यहाँ पर जेड ए एक निकाल सकते हैं, जेड
ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास आएगा वो आएगा जेड नॉट टेन एच गामा बाय टू। सिमिलरली यदि जेड बी और जेड नॉट के टर्म में यदि गामा को कैलकुलेट किया जाए ई गामा को, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं जेड बी और जेड बी का फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारे पास बनेगा जेड नॉट कॉट एच गामा बाय टू। इसे अब ये सारे इंपीडेंस को यदि जो स्टार्टिंग में हमारा लेटिस नेटवर्क था उसमें यदि अरेंज किया जाए तो कुछ इस तरह से हमारा बनेगा, ये सीरीज इंपीडेंस होगा हमारा जेड ए हमारे पास और जेड बी का सारा एक्सप्रेशन हमारे पास होगा, और इस एक्सप्रेशन को यदि इस लेटिस नेटवर्क में अरेंज किया जाए तो कुछ इस तरह का फाइनल लेटिस नेटवर्क देखने को मिलता है। तो ये है हमारे पास लेटिस नेटवर्क के इक्विवेलेंट सर्किट, और इसमें जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन था ये था। किन्हीं को यदि इस टॉपिक का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, अपना ईमेल मुझे हमें दीजिए, मैं आपको ईमेल करूँगा, इसके स्टडी मटेरियल जो भी इससे संबंधित हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो आपको मेल कर दिया जाएगा।